जैसे कर्नाट साइकिल क्या है, कर्नाट साइकिल वो साइक्लिक प्रोसेस है जिस पे कर्नाट इंजन वर्क करता है। बात समझ आई? तो कर्नाट साइकिल क्या है बताओ? कर्नाट साइकिल हमारा वो साइक्लिक प्रोसेस जिस पे कर्नाट इंजन वर्क करता है। तो ये दिस कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस। देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम से बना दे रहे हैं इसको, पीवी डायग्राम। दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, एक T1 एक T2। देखिए एक ऐसे पहले एक प्रोसेस है A से B, और फिर B से एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये C, और फिर एक कंप्रेशन है आइसोथर्मल, फिर एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो A से B, B से C, C से D और D से A। देखो A से B ये दो हमने जो बनाया था ये आइसोथर्म है, तो A से B ये एक्सपेंशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और ये फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा है, बी के वॉल्यूम से सी का वॉल्यूम ज़्यादा है और इधर शिफ्ट हुआ है। ये तुम्हारा क्या चीज़ है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर ये तुम्हारा कंप्रेशन है, लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो हम पहले चारों का नाम लिख लें। ए से बी ये क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी से सी क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर सी से डी क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। और डी से ए लास्ट जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो दो एक्सपेंशन है और दो कंप्रेशन है, दो आइसोथर्मल है। अब एक चीज़ समझते हैं पहले ब्लॉक डायग्राम से। ये हमारा सोर्स और ये इसका T1 है, ये एक स्टैंड बना दिया, और यहाँ पे हमने एक सिंक ले लिया जिसका टेम्परेचर T2 है, और ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। एक्चुअली है क्या ये? ये एक एक सिलेंडर है फिटेड विथ पिस्टन, और यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, और ये स्टैंड है जो इस पे रखा रहेगा तो कोई भी इसका हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, यहाँ वाले पे रहेगा, ये जो हमारा जो सिस्टम है ये सबसे पहले वो सोर्स के पास आएगा हीट लेने, हीट लेता है ना, तो ये इसका टेम्परेचर जो है T1 हो जाएगा और ये एक्सपेंड करेगा। तो T1 के साथ ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जो इस यहाँ पे हमने AB से रिप्रेजेंट किया है, यानी वो गैस जो है सोर्स के कांटेक्ट में आया। और देखिए ये जो हमारा वो है वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट लेगा, जो हीट छोड़ेगा, जो वर्क करेगा, ये वर्किंग सब्सटेंस है, और इसकी जो दीवारें हैं वो इंसुलेटिंग हैं, और सिर्फ नीचे का जो है ये कंडक्टिंग है ताकि हीट आ जा सके। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो जाएगा सोर्स के पास, वो जाएगा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेगा, फिर उसके बाद वो स्टैंड पे जाएगा, स्टैंड पे जाके अब हीट तो उसको मिलेगा नहीं, ये इंसुलेटर है, तो ये और एक्सपेंड करके अपना टेम्परेचर गिराएगा, यानी ऊपर उठेगा, क्योंकि हीट का कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और वो ऊपर और उठेगा, बी से सी जाएगा, और वो एक्सपेंड किया तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। कितना टेम्परेचर हो गया उसका? उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ठीक है, वो फिर T2 के टच में आएगा। तीसरा प्रोसेस जो है, ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जैसे पहले प्रोसेस में हमने बताया कि उसको हीट कितनी मिली? Q1 किस हीट उसको किस प्रोसेस से मिलता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले में, जब वो सोर्स के टच कॉन्टेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो AB वाले प्रोसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वो सोर्स के टच में रहता है, सोर्स के पास रहता है, एक्सपेंड करता है, उसको हीट मिलती है। तो हीट किस प्रोसेस मिलती है? AB, हाँ। फिर दूसरी बार वो दूसरा प्रोसेस में स्टैंड के गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, टेम्परेचर गिर के T1 से T2 हो गया, और फिर वो सिंक के पास आता है, और फिर आइसोथर्मल वो कंप्रेशन करता है, कंप्रेशन होगा,
ठीक, टेम्परेचर उसका फिर कॉन्सेंट है, आइसोथर्मल है क्योंकि, ठीक है। फिर लास्ट में फिर स्टैंड के पास आएगा, यानी दूसरा प्रोसेस तुम्हारा यहाँ रहा, तीसरा यहाँ रहा, फिर बैक से फिर यहीं पे वापस आ जाएगा चौथे पे, यही रिपीट होगा। फिर पहला यहाँ से शुरू होता है, पहला यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये आया, ये कंप्लीट साइकिल हो गया, फिर यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो समझ में आई बात? तो अब एक चीज़ देखिए, हम कुछ इक्वेशन बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर हमारा P1 और V1 है, यहाँ है P2 V2 प्रेशर वालूम, और यहाँ पे हमारा P3 V3 है, और यहाँ क्या है हमारा P4 V4 है। ये चार जो थर्मोडायनेमिक स्टेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट का लो ज्योमेट्री के टर्म में, उसमें पी प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू है P1 V1, यहाँ क्या है बेटा, और यहाँ, और यहाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो पहला जो प्रोसेस है हमारा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इक्वेशन हमारा बनेगा P1 V1 बराबर P2 V2, ये एक इक्वेशन बना, क्लियर है। ठीक, दूसरे पे आइए, दूसरा प्रोसेस क्या हमारा है, हाँ, तो यहाँ पे होगा P2 V2 पे पावर गामा इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइए यहाँ से थर्ड प्रोसेस में, ये आइसोथर्मल है तो फिर हम लिखेंगे P3 V3 बराबर P4 V4, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड हो गया। और लास्ट फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है, फिर हाँ P4 V4 गामा इक्वल टू P1 V1 पर पावर गामा, ये इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे 4 इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इन चारों का आपस में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और देखते हैं लेफ्ट वाले सारे टर्म का मल्टीप्लाई इक्वल्स राइट वाले सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट वाला करो जैसा, तो P1 V1 P2 V2 पे पावर गामा P3 V3 P4 V4 पर गामा इक्वल्स, इधर आते हैं P2 V2 P3 V3 पे पावर गामा P4 V4 P1 V1 पर गामा। इसको हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं P1 P2 P3 P4 V1 V2 पे पावर गामा V3 V पे पावर गामा, इधर क्या आ जाएगा P1 P2 P3 P4 V2, V4 V1 पर गामा। ये सारे टर्म कट गए, ये टर्म कट गए, और देखिए तो V1 V2 पे पावर गामा V3 V4 पे पावर गामा इक्वल टू V2 V3 गामा V4 V1 गामा है। तो V2 देखो काटा, यहाँ 1 लिख दिया, और V1 यहाँ से काटा तो यहाँ 1 लिख दिया, और V3 यहाँ 1 काटेंगे तो ये हो गया, और V4 इधर काटा तो 1 -1 हो गया। तो V2 V4 पे पावर गामा -1 इधर हो गया, V3 V1 पे पावर गामा -1। तो इससे इम्प्लाइज होता है कि V2 V4 इक्वल टू V3 V1, सही है। ये पावर देखो, इस अंडर रूट ये हटा देंगे पावर, अगर जैसे कहीं a पे पावर x और b पे पावर x है तो इसका मतलब a बी भी इक्वल होगा, पॉजिटिव पावर है ये, तो एक चीज़ लिखा जा सकता है। तो अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे हमारा ये V1 था, ये V2 था, और यहाँ V3 है, यहाँ क्या है V4, तो यहाँ V1 से बढ़ के ये क्या हुआ है V2, तो इसका रेशियो यानी V2 by V1, V2 by V1 इक्वल टू V3 by V4, ये एक रेशियो है जो हम लोग को आगे काम आएगा, ठीक है। V2 by V4 इक्वल टू, यानी ये देखो इससे बड़ा ये है, इन दोनों में इससे बड़ा ये है, तो ये जितना गुना होगा, अगर ये 4 गुना हुआ उतने ही गुना ये भी है, ये रेशियो बता रहा है। देखो एक चीज़, अब फिर से हमें अब इफिशियंसी देखना है, इसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें बताया था कि हीट किस प्रोसेस में उसको मिली थी, किस प्रोसेस मिली थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q1 हीट मिली, जो हमने इस डायग्राम से बताया था। और लास्ट में जो सिंक को फेंकता था, सिंक को हीट दिया था Q2, वो लास्ट में जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था। तो यहाँ एक चीज़ हम भूल गए बनाना, ये है Q2, ठीक है। अब भी बताओ, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन कितना वो हीट लिया, वर्क डन बाई, ये वर्क डन क्या है, ये है नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस। देखो अब नेट वर्क डन हमें पता है कि इस लूप के एरिया के बराबर होगा, लेकिन कोई ये वेल नोन ज्योमेट्रिकल तो है नहीं कि हम इसको निकाल पाएं कि लंबाई गुणे चौड़ाई वगैरह करके, तो हमें चारों प्रोसेस का वर्क डन निकालना पड़ेगा, यानी ये डब्ल्यू ए से बी, फिर डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये चार प्रोसेस का हम सम करेंगे तो नेट वर्क डन आएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, सबसे पहले हमें W तो निकल गया, ये फार्मूला होगा, Q1 कौन सा हीट है, Q1 जो है ए बी प्रोसेस में मिला, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस ए टू बी, ये क्या चीज है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा टी क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, तो ये बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये है जीरो, तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू। ये बताओ ए बी प्रोसेस में ही तो हीट क्यू वन मिला है, यानी हमारा जो क्यू वन होगा वो होगा जीरो प्लस डब्ल्यू ए बी, तो जो क्यू वन है वो डब्ल्यू ए बी के बराबर है। बोलो क्लियर है। अब हम लोग जा रहे हैं सारे प्रोसेस को निकालने। चलिए डब्ल्यू ए बी क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या होता फार्मूला, एन आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन, ये कैसे आ गया, ये तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन का फार्मूला है, तो ये डब्ल्यू ए बी हो गया और यही हमारा क्यू वन भी होगा। अच्छा अभी हम निकालना है, डब्ल्यू ए बी निकल गया, अब डब्ल्यू बी सी बचा, डब्ल्यू बी सी बचा, तो डब्ल्यू बी सी, चलिए भाई डब्ल्यू बी सी कौन सा प्रोसेस है, बी सी एक्सपेंशन, क्या फार्मूला होता है उसमें, हाँ पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ बाई गामा माइनस वन, ये फार्मूला उसका। तो चलिए बताइए बी से सी, बी से सी में हमें इसकी वैल्यू निकालना है, सिर्फ वर्क डन की, डेल्टा क्यू तो जीरो होता ही है, हमें हमें क्यू वन, क्यू वन निकल गया, जो इस फार्मूले में क्यू वन निकाला निकल गया, अब डब्ल्यू सिर्फ निकालना, तो सारे वर्क डन को हमें जोड़ना है, तो हम सारे वर्क डन निकाल रहे हैं। तो बताइए बी से सी में इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम क्या है, इसमें पी टू वी टू, बी से सी यहाँ देखिए ना, यहाँ से हाँ, अब देखो ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, तो पी टू वी टू से पी थ्री वी थ्री, हाँ वापस आइए यहाँ पे, तो पी टू वी टू माइनस पी थ्री वी थ्री ना जी, अपॉन हाँ, अब आते हैं डब्ल्यू सी डी, तो सी डी हमारा आइसोथर्मल है, एन आर टी टू लेकिन है क्या है, एन आर टी टू एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, बताओ जरा सा, वी फाइनल माइनस ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट आया डी ए, डी ए तो वी इनिशियल, वी इनिशियल हाँ क्या है, डी ए तो देखिए हमने चारों वर्क डन निकाल लिए, अब इनको जोड़ना है, टोटल वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, डब्ल्यू डी ए, तो ये है हमारा एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन प्लस पी टू वी टू माइनस पी थ्री वी थ्री बाई गामा माइनस वन प्लस प्लस सी डी की वैल्यू कितना रखना है, एन आर टी टू एल एन वी फोर बाई वी थ्री प्लस पी फोर वी फोर माइनस पी वन वी वन बाई गामा माइनस वन, ये टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन है।
तो अब एक चीज देखिए, एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एल एन एन आर टी टू एल एन वी फोर बाई वी थ्री प्लस, ये देखो गामा माइनस वन, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो पी टू वी टू माइनस पी थ्री वी थ्री प्लस पी फोर वी फोर माइनस पी वन वी वन। अब देखो एक चीज़ सुनो, फर्स्ट प्रोसेस के लिए हमने लिखा था कि पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, और क्योंकि ये क्या चीज़ यहाँ पे देखो ना, यहाँ लिखे हैं ये, और ए हाँ और एक और लिखे थे कि पी थ्री वी थ्री इक्वल टू पी फोर वी फोर। तो इस हिसाब से पी वन वी वन से ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये पूरा जीरो हो गया, सिर्फ हमारे पास बच गया एन आर एल एन एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एन आर टी टू एल एन वी फोर बाई वी थ्री। ये चीज़ क्या चीज़ आई बेटा, टोटल वर्क डन, ये आ गया। अब देखो तुम्हारे पास हमने एक फार्मूला और ड्राइव करके रखा था कि वी टू बाई वी वन बराबर वी थ्री बाई वी फोर लिखा था, बोलिए। अच्छा अब गौर से सुनो मेरी बात, यहाँ v3 थ्री बाई वी फोर है और यहाँ v, ये तो उल्टा है, तो अगर इसको v3 थ्री बाई वी करना है एन आर एल, यहाँ माइनस लिख दें अगर, तो ये ln एन वी थ्री बाई, ये पलट जाएगा फ्रैक्शन अगर, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये v3 थ्री बाई वी फोर को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ तो एन आर टी वन एल एन v2 टू बाई वी वन माइनस एन आर टी टू एल एन वी टू बाई, क्या कॉमन ले जाएंगे एन आर वी टू बाई वी वन, हाँ बचेगा क्या चीज, ये क्या चीज़ आया w। अब ये बताओ इफिशेंसी क्या है हमारा w बाई, और q1 जो है q1 हमारा ये है देखो, तो यहाँ रखते हैं एन आर एल एन वी टू बाई वी वन टी वन माइनस टी टू होल अपॉन एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन। तो एल एन सेम है कट गया, एन आर कट गया, बचा सिर्फ टी वन, तो इधर बचा टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, और ये हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस टी टू बाई टी वन। तो ये प्रूफ हो गया।